अब तो बेटे सब चीजें जो है ना, दिस इज व्हाट यू आर ऑल अबाउट। बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं पिछले साल किलीमंजारो गया था, वहां पे फील आ रहा था ना, उससे बड़ा फील आ रहा। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय इमोशंस सर। डोंट कंट्रोल। मन कर रहा है कि मैं ऐसे खड़ा होकर पछा हुआ इंटरव्यू करूं सर। नहीं, कंट्रोल मत करिए। फॉर द कंफर्ट ऑफ द ऑडियंस आई विल कम डाउन। तो ये बताइए, मैं आपसे स्पेसिफिकली एक चीज पूछना चाहता हूँ, गिव अस एन इनसाइट, एक रीजन दीजिए। एक स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख के मोटिवेट होंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरी भी आपकी जैसी मूंछ और दाढ़ी है तो मेरा 720 आएगा। कुछ लोग कहेंगे मेरा चश्मा आपसे मिलता है। सम पीपल विल से कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है। सम पीपल विल से आई एम ऑल्सो फुटबॉल फैन। तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू दिस वीडियो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज लोगों को बताइए कि दिस इज व्हाई दे शुड नॉट मिस अ सिंगल टेस्ट। What would be your reason? Finding your weak points. और कोई तरीका नहीं है पता करने का, right? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तरीका नहीं है दूसरा। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, अंडर प्रेशर आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे, आपको आपके वीक एरियाज नहीं समझेंगे, पीरियड। और उनपे जब जो आपको आता है वो आपको एक महीने बाद भी आएगा, जो आपको नहीं आता उसी पे आपको वर्क करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ शुभन सेनगुप्ता है। हमारी जबरदस्त कंप्लेंट है शुभन सेनगुप्ता के साथ। इनको 5 मई को पता था कि इनका स्कोर है 720, और हमें पता चल रहा है 4 जून को। शर्मा सर, आपको कैसा लग रहा है? 720 सर, 3 स्टूडेंट्स के ऑलरेडी 720 आ चुके हैं और ये 4th स्टूडेंट है। शुभन सेनगुप्ता नागपुर से है। शुभन सेनगुप्ता, मैं दिखाना चाहता हूँ शर्मा सर, और फिर हम एक्शन में घूमेंगे, समझेंगे शुभन सेनगुप्ता ने क्या किया। बट आई वॉन्ट टू शेयर स्क्रीन एंड शो समथिंग। ये नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जब आप मीडिया पे आएंगे तो यदि आप 5 मई के रिजल्ट पे जाते हैं, दिस शुड बी द रिजल्ट। देखिए सर, शर्मा सर, आर यू एबल टू सी इट? यस यस, आई कैन। शर्मा सर, आपको, आपने भी चश्मा पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है। नंबर 3 पे आपको कौन दिखाई दे रहा है सर? अरे, शुभन ने भी पहना हुआ है। शुभन, नंबर 3 पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? कृष्णमूर्ति। वेरी गुड। आपको नंबर 13 पे कौन दिखाई दे रहा है? नाइन, शुभन सेनगुप्ता। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। नंबर 2 पे मन्नत गोयल है, हिज स्कोर इज 715, आपने इनका इंटरव्यू देखा। नंबर 3 पे कृष्णमूर्ति सिवाल है, अकोला, इन्होंने एलएन नागपुर से तैयारी की, हमारे टारगेट बैच से 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इनका उस टेस्ट में स्कोर 720 था 5 अप्रैल को, इस बार भी स्कोर 720 है। उसके बाद प्रतीक्षा प्रधान, इसका स्कोर 690 है। नंबर 7 पे सक्षम अग्रवाल है, सिलीगुड़ी से, सक्षम का स्कोर भी 720 है, ऑसम। नंबर 9 पे वेद शिंदे है, वेद शिंदे भी 720 है, नागपुर से है। नागपुर में इस बार ऑरेंजेस से ज्यादा 720 है शर्मा सर। एक्स्ट्रॉर्डनरी मींस आई एम स्पीचलेस सर। और शुभन सेनगुप्ता है। हाँ शर्मा सर, हाँ जी बेटे, बहुत बधाई हो। पहले दिस इज अ मोमेंट टू रिजॉइस, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट एंड डोंट बी शाय टू सेलिब्रेट, है नहीं? मतलब इट इज सेलिब्रेशन, है ना? मतलब इट इज अ हार्ड वर्क, इट इज अ टेस्टिमनी टू द काउंटलेस नाइट्स दैट यू मस्ट हैव पुट इन, hundreds of doubts that must have come to your mind, hundreds of the support system that you might have needed. अब तो बेटे सब चीजें जो है ना, this is what you are all about. देखो सर, before we start the interview, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं पिछले साल किलीमंजारो गया था, वहाँ पे फील आ रहा था ना, उससे बड़ा फील आ रहा। I'm not able to control my emotions sir. Don't control. मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे खड़ा होकर बचा हुआ इंटरव्यू करूं सर। नहीं, कंट्रोल मत करिए। और द कंफर्ट ऑफ द ऑडियंस आई विल कम डाउन। तो शुभन, एक पर्सनल लेवल पे एक चीज पूछता हूं, अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑब्वियसली, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू लाइक? सर, फुटबॉल। सो यू प्ले रेगुलरली? आई यूज्ड टू प्ले बट नीट के समय बंद किया था, 12th में। के समय क्या होगा? 12th के समय बंद किया था, लेकिन 11 तक यू प्लेड रेगुलरली। यस, बहुत बढ़िया। तो शुभम, एक चीज बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, शर्मा सर हमारे साथ हैं। शर्मा सर सारे बायो के क्वेश्चन फ्रेम करते थे। आपका शर्मा सर की बायो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए, क्योंकि शर्मा सर की एक खतरनाक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आने वाली है। वी हैव जस्ट पुट इट इन प्रिंट टुडे। मैं आने से पहले फोन करके आता कि प्रिंट में डाल दीजिए। आपका शर्मा सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा बायोलॉजी को लेके? सर बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। मतलब व्हाट वाज डिफरेंट? बायो सब पढ़ाते हैं बट व्हाट वाज डिफरेंट? सर वो एक रेलेवेंट बट स्टिल एनसीईआरटी बेस्ड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो मिले, जो सर खुद फ्रेम करते थे, जो हर बार नए होते थे। तो सर वो हर बार एक नया क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट देखने में जो मजा है और फिर उसको गलत करके जो सीखने में मजा है, वही है सर गेम पूरा। ये बच्चा क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा जो ये कह रहा है कि गलती होने दो, दोबारा नहीं होने दूंगा। यस स्वयं शेखर त्रिपाठी सर, उसका 715 था पिछले बार, ऑल इंडिया रैंक 8 था। यू रिमेम्बर वी इंटरव्यूड हिम, ऑफिस आया था, ही इज इन एम्स दिल्ली नाउ। तो उसने कहा सर मैंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ली, मैं कान में लगा के ऑडियो सुनता था, 80% क्वेश्चन सही होते थे। जस्ट इमेजिन करिए जिसका 715 स्कोर आया है उसके 80% सही होते। तो मैंने कहा यार तुम्हें कभी लगा नहीं कि क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे इतने क्वेश्चन गलत होते हैं? कहता है सर उसी से तो सीख रहा था। और टेलीग्राम पे जो हमने सर क्वेश्चंस की बाढ़ डाली थी लास्ट में, वो रेलेवेंट न्यू एंड मेरे ख्याल से n नंबर ऑफ असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यस सर, उसके बाद तो टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब वो असर्शन रीजन कर लिए तो मतलब फिर हो गया चैप्टर तुम्हारा। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एकदम सर, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। असर्शन रीजन मेरा थोड़ा वीक था ही। That was the only question type I had an issue with. सभी का होता है, मेरा कई बार अपना ही खुद का गड़बड़ हो जाती है। हाँ। तो शुभन ये बताइए आपने टारगेट बैच कब ज्वाइन किया? सर मैंने टारगेट बैच ज्वाइन तो 11th के मिड में किया था। ओके। पर मैंने स्टार्ट में उतना यूज नहीं किया। मतलब सबने ज्वाइन किया था मेरे दोस्तों में से, तो मैंने भी ले लिया था, पर मैं उतना यूज नहीं कर रहा था। बट एज द एग्जाम अप्रोच क्लोजर, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर के अराउंड, देन आई रियलाइज कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, तो वही प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज द बेस्ट सोर्स। फिर उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आई विल टेल यू समथिंग, लेट अस फर्स्ट एक्नॉलेज आपके दोनों पेरेंट डॉक्टर हैं? यस सर, दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं। क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में उनका? सर पेरेंट्स का ही मेन रोल रहता है। मतलब जस्ट फ्रॉम टेल अस स्पेसिफिक्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स get annoyed by the continuous nagging and expectations which parents have. Did you also feel that at any point of time? Sir, they didn't nag me. They only motivated me throughout. मतलब even from small things कि अभी खाने में क्या चाहिए तुझे, तो लेकर मतलब emotional support system थे वो मेरे। Times so, when उतने अच्छे scores नहीं आ रहे थे, तो they would just motivated me कि थोड़ा सा break ले ले, अभी थोड़ा chill कर लेना फिर से। तो you know that helps to keep a fresh mind. फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा पढ़ के करोगे ऐसा। इट इज ओके जैसे एक कोई जना ऐसा हो सामने, मैं कोई बात नहीं यार, इट इज ओके, लेकिन अभी मेहनत तो करनी है। और जो मेहनत करवाता रहा साथ में, मेरे ख्याल से उनकी एक पॉजिटिव प्रेजेंस रही आपके साथ कि उन्होंने आपको पढ़ाते भी रहे, पढ़ने को कहते भी रहे, और आपको राइट डायरेक्शन में रखा और सपोर्ट किया और मोटिवेट करते चले गए। द प्रेजेंस वाज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। यस। दूसरी चीज, आपके 3 टीचर जिनसे आप पढ़े, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स नागपुर में, कुछ लोग एलन ज्वाइन करते हैं, बट देयर इज अ साइजेबल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ से सार्थक पकमोड़े पहले रहे, एक जय गुप्ता का मैंने इंटरव्यू किया था, वी आर गोइंग टू पब्लिश इट, ही इज गेटिंग 710, शायद वो आपके साथ क्लास में थे। आप पढ़े हैं फिजिक्स, पढ़े वानखेड़े मैम से। यस सर। आप केमिस्ट्री पढ़े प्रधान मैम से। यस। और आप बायोलॉजी पढ़े कोठारी मैम से। यस सर। एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट मींस जब बड़े बड़े ब्रांड्स हो रहे हैं एंड इट सीम्स दैट पीपल डोंट केयर कि उन्हें कौन से टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, बस आप ब्रांड में जाके एडमिशन ले लो। इन नागपुर स्टिल देयर इज वानखेड़े मैम, there is Kothari ma'am, there is Pradhan ma'am, and this is extraordinary. बहुत मेहनत की उन्होंने आपके साथ? Yes sir, throughout उनका support रहा है। मतलब शुरुआत से ही कोई भी मेरे doubts रहते थे, कभी भी solve कर देते थे। Even at night if I would call them, उनके मतलब they would never turn me down। यानी रात को 11 बजे भी call किया मैंने मैडम को कभी कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। It's extraordinary। शर्मा सर देखिए, मतलब है ना, बट एक एफर्ट होता है ना सर, मतलब जब हम ये कहते हैं कि एक एनहांसमेंट इफेक्ट होता है, वो कहता है जब दोनों को साथ दोगे तो ज्यादा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, है नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है जब एक अच्छा टीचर और एक अच्छा बच्चा जब जुड़ता है ना, और दोनों जब मेहनत करते हैं तो 720 आते हैं सर। मतलब सर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्षम है ना, मैदान के बीच में बैटिंग करने गया हुआ था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ चीयरलीडर्स आउटसाइड। शायद आप चीयर कर रहे थे एक साइलेंट वे में, मैं चीयर कर रहा था, उसके पेरेंट। बैटिंग तो उसे ही करनी है, राइट? बैटिंग हम नहीं कर सकते, बट एवरीवन व्हाटएवर दे कुड डू, वानखेड़े मैम, प्रधान मैम, कोठारी मैम, डॉक्टर शर्मा, कपिल गुप्ता, पेरेंट्स, सब लोग है ना। शुभन शुभन उस तरह से चल रहा है, राइट? यस सर। तो दैट इज अ गुड सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स, टीचर्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ग्रेट ग्रेट। तो आपको टारगेट बैच किसने रेकमेंड किया शुभन? तो मैंने अपने सीनियर से रिकमेंडेशन लिया था टारगेट बैच का। मतलब मुझे एक एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए चाहिए था, तो मेरे सीनियर्स ने बताया टारगेट बैच के बारे में, एंड देन मैंने अपनी फिर केमिस्ट्री टीचर से भी पूछा, सो शी आल्सो सेड कि अच्छा है ले लो, तो मैंने फिर उसके बाद ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। तो प्रधान मैम ने कहा कि ले लो, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपने टारगेट बैच से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर 25 to 30,000। मैं 25 to 30,000 डिवाइडेड बाय 100 करके मैं मान सकता हूँ कि आपने 350 से 400 घंटे टारगेट बैच को दिए होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में वहां से। यस सर। गुड। मैं आपका डेटा जाके देख रहा था, आपने करीब 170 टेस्ट लिखे हमारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फॉर्मेट में। जी सर। राइट। तो मुझे एक चीज बताइए यार, अभी हमारा पहला टेस्ट 9 जून को होने वाला है। इस बार हमने टेस्टिंग को और ऊपर कर दिया, क्योंकि आई टेल यू द चेंज दैट हैपेंड लास्ट ईयर। मैं, शर्मा सर, बाकी फैकल्टी बैठे, उन्होंने कहा कि वी हैव टू एग्रेसिवली टेस्ट। तो शर्मा सर की बायो प्रोडिजी थी, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे। हम लोगों ने एक चीज क्या किया कि बच्चों का डर खत्म करने के लिए, लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी इंटिमिडेटिंग कि 200 क्वेश्चन का टेस्ट लिखना है, तो हमने कहा कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना चालू करते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर यूनिट वाइज देते हैं। तो हमने पिछले साल 206 टेस्ट दिए थे शर्मा सर, है ना। और उसके अलावा जो छोटे मोटे आपकी तरफ से जो एक्शन चल रहा होता था, हम भी कुछ कुछ ये कर लो वो सब चल रहा होता था। तो ये बताइए, मैं आपसे स्पेसिफिकली एक चीज पूछना चाहता हूँ, गिव अस एन इनसाइट, एक रीजन दीजिए। एक स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख के मोटिवेट होंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरी भी आपकी जैसी मूंछ और दाढ़ी है तो मेरा 720 आएगा, कुछ लोग कहेंगे मेरा चश्मा आपसे मिलता है, सम पीपल विल से कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है, सम पीपल विल से आई एम ऑल्सो फुटबॉल फैन। तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू दिस वीडियो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज लोगों को बताइए कि दिस इज व्हाई दे शुड नॉट मिस अ सिंगल टेस्ट, व्हाट वुड बी योर रीजन? फाइंडिंग योर वीक पॉइंट्स, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पता करने का, राइट? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तरीका नहीं है दूसरा। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, अंडर प्रेशर आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे, आपको आपके वीक एरियाज नहीं समझेंगे, पीरियड। और उनपे जब जो आपको आता है वो आपको एक महीने बाद भी आएगा, जो आपको नहीं आता उसी पे आपको वर्क करना है। अच्छा सर, ये तो पूरा फिलोसफर है, मतलब बिल्कुल। इसने दो चीज कही, प्रेशर एंड इन एन एनवायरनमेंट। तो ये जो प्रेशर जो है ना, यस, ये वो प्रेशर है दैट मैटर्स। और टेस्ट का मतलब ही क्या है? टेस्ट का मतलब क्या है? यू आर चेकिंग समथिंग, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। और अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो हाउ आर यू डूइंग योर स्वॉट एनालिसिस फॉर एग्जांपल? करेक्ट। और इसने बढ़िया बात कही, वो मैं कई बार बच्चे हंसते भी हैं जब मैं क्लास लेता हूं, तो पहले ही कह देते हैं सर ये वाला डायलॉग हमें पता है। मैं कहता हूं क्यों पढ़ते हो कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। बार बार जाकर के वो जो कह रहा है कि आपको एक महीने बाद भी पता होगा, 2 महीने बाद भी पता होगा, सही बात है। आप मानेंगे नहीं, लोग टेस्टिंग में भी कई बार अपने कंफर्ट जोन में जाकर के टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन जो कि पहले देखे हुए हैं, एंड देन देयर इज अ फीलिंग दैट ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, एंड सडनली समथिंग हैपेंस इन द एग्जाम और नंबर कम आ जाता है। सर ये गलती मैंने भी की है। नहीं, ये गलती मैंने भी की है एक पॉइंट पे। अच्छा, कैसे कैसे थोड़ा इलैबोरेट करो। मतलब सर एक पॉइंट पे लग रहा था कि मुझे पूरा आ रहा है, तो मैं टेस्ट थोड़े कम किए देना, फिर उसके बाद एकदम से कुछ टेस्ट दिए तो एकदम ही नंबर कम हो गए थे। तो एट दैट पॉइंट आई वाज कंफ्यूज कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि प्रीवियस टॉपिक्स को मैं रिवाइज बार बार करके कोई पॉइंट नहीं है, जो मैंने मिस्टेक्स बंद करी है इन द जो भी लास्ट 5-6 टेस्ट हुए हैं उसको लिख लेता हूँ, फिर अगले टेस्ट के पहले उन्हीं को पढ़ूंगा, फिर उससे मेरे धीरे धीरे नंबर बढ़ना चालू हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शर्मा सर, आई विल टेल यू दिस थिंग, देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज वेल। यदि आप अपने दिमाग में ये बना के बैठे हो कि आई विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग ऑफ 82 चैप्टर्स, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। द ओनली थिंग दैट कंटिन्यूअसली हैपेंस इज आप टेस्ट देते हो, वो टेस्ट आपको बताता है इन 82 चैप्टर्स में से आपको ये वाली चीज नहीं आती, एंड यू कंटिन्यूअसली कीप गोइंग फ्रॉम वन टेस्ट टू द अदर and keep revising what you did not get right. That is the way you continuously focus on. आपके minimum marks कितने आए हमारे टेस्ट के अंदर जो आप टेस्ट लिखते थे? Sir, NEET prep में 626. तो मुझे एक चीज बताओ, आपने वो वाला टेस्ट लिखा था जिसमें शर्मा सर ने 80 assertion reason question दिए थे? हाँ सर। उसमें कितने नंबर आए थे? नहीं, वो अच्छा गया था, उसमें 695 आए थे। वाह शर्मा सर, उस वाले टेस्ट के बारे में मैं बच्चों से पूछता हूँ सर, सबका है ना दहशत होती है मुंह पे। आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल यस्टरडे, उसका स्कोर शर्मा सर लेट मी कंप्लीट। नहीं, एक लड़की है वेस्ट मीदनापुर से है, 5th अटेम्प्ट, बेचारी गांव से है, शी वाज नॉट एबल टू फिगर आउट हर वे। लास्ट ईयर 343 था, इस बार 695 है। कहती है सर उस वाले टेस्ट में 530 मार्क्स आए थे। तो मैंने कहा कि टेस्ट देना छोड़ा क्यों नहीं? कहती है सर सारे असर्शन रीजन सीख गई, उसके बाद एक भी गलती नहीं हुई। सर जो फियर है, मैं एक इसकी बात से लूंगा, इसी की शुभान की बात से कितनी बढ़िया बात निकल के आई है, हाउ डू यू ओवरकम फियर। तो इसने कहा मैं लिख लेता हूं, है ना सर, ये लिखना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, ये बहुत बड़ी। व्हाट ही इज सेइंग इन हिज एज, मतलब आई हैव रियलाइज्ड एट दिस एज, मतलब धक्के खा खा कर आज मैं सीखा हूं, और इसको ये बात अब से पता है कि राइटिंग इज एवरीथिंग। जब आप इसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इफ द डायग्नोसिस इज ओके, तो डॉक्टर्स का बच्चा है, अस्पताल रोज जाता है, अगर ये पता चल जाए बुखार के पीछे वजह क्या है तो दवाई देना तो बहुत आसान है, द ट्रीटमेंट बिकम्स इजी, द प्रॉब्लम इज डायग्नोसिस। और ये जो ये कह रहा है हाउ डू यू ओवरकम फियर, यू कन्फ्रंट इट। करेक्ट। तो बच्चों से कहा सर एसर्शन रीजन नहीं आता, एसर्शन रीजन गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तैयार तो तुम हलवे के लिए आए होंगे, आया नहीं मैं, तुम जब पेपर खोलोगे तो उसमें धब्बे क्या मिलेंगे तुमको, एसर्शन रीजन मिलेंगे, करो अब इसको, है ना। और देखते हैं इसके बाद। और हर एक बच्चे ने मुझसे ये कहा शुभान की इस पेपर में अच्छा किया, तो वहां एक स्पिरिट रही होगी ना अंदर करने की, और देखते हैं और देखते हैं। आपको यदि 3 एडवाइस देनी है स्टूडेंट्स को हु आर वाचिंग दिस वीडियो, that this is how you crack NEET, 3 critical success factors for you, so what would be your answer? Sir, number 1 is consistency. Yeah, agar aap consistently पढ़ाई नहीं करोगे, question practice नहीं करोगे बहुत सारी, and basically अपने teachers के pace पे नहीं चलोगे, तो it is very very difficult to crack an exam like NEET. Second will be testing, क्योंकि of course बिना test लिए आपको आपके weak areas नहीं समझेंगे, as I said earlier. And थर्ड विल बी करेक्टिंग दोज एरर्स। एक बार आपने मिस्टेक कर ली, दूसरी बार वही सेम मिस्टेक नहीं करनी है, तो इसलिए उन मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और उनको कैप्चर कर लो, वो आपको नगीने मिले, दे आर योर डायमंड्स एंड कीप वर्किंग। शर्मा सर, आई विल टेल यू दिस थिंग, शुभान ने एक चीज बोली कि सर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक स्पेस में प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट लिखना है। दैट इज व्हाई लास्ट ईयर वी स्टार्टेड दिस। इस समय पे 130 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हमारे फिजिकल क्लासरूम टेस्ट सीरीज होता है। वी हैव अ सेंटर इन नागपुर, वो शायद आपके यहाँ से दूर होगा, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए, बट 130 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। दिस इज द रीजन सर, मुझे एग्जाम के बाद पेरेंट्स का फोन आता था, सर आपके टेस्ट में 650-700 नंबर आ रहे थे और नीट एग्जाम में 200 नंबर आ रहे हैं। तो मैं पूछता था कि सर आप बच्चे के सामने बैठे होते थे कि नहीं सर, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वी नाउ हैव क्लासरूम टेस्ट सीरीज। बट लेट मी समराइज 3 चीजें जो शुभान बोल रहा है, कंसिस्टेंसी और टीचर्स के पेस के साथ रहना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट, यू विल कंटिन्यूअसली बी डूइंग कैच अप एंड बैकलॉग चलता रहेगा। दूसरी चीज रेगुलर टेस्टिंग, सो दैट वी फाइंड आउट आवर वीक एरियाज और हम हर चीज के ऊपर टाइम ना लगाए, क्योंकि ये पंचवर्षीय परियोजना नहीं है, दिस इज नॉट अ 5 ईयर प्रिपरेशन। हमें एक लिमिटेड टाइम में एग्जाम फिनिश करना है, हमें PhD नहीं करनी है। और तीसरी चीज, जो भी गलतियां पकड़ में आई उनका करेक्शन करना। शर्मा सर, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? आई एम स्पीच। मैं तो कंसिस्टेंसी, मैं तो इसकी बात सुनना चाह रहा हूं, है ना, कंसिस्टेंसी। कभी कभी तो लगा होगा शुभन की मतलब नहीं हो रहा, या नहीं डर लगता है? सभी को लगता है। क्या करते हो फिर उसको, अपने आप को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए? सर ऐसे सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो या फिर टॉक टू पीपल हु विल गाइड यू थ्रू सिचुएशंस लाइक दैट। तो मैं अपने पेरेंट्स या टीचर्स, आइदर वे, कभी-कभी पेरेंट्स से कभी-कभी टीचर्स से, तो दे वुड ऑलवेज से कि डोंट थिंक टू मच, जस्ट गो विद अ पीस ऑफ माइंड एंड पढ़ते जाओ, तुमने काफी किया है, इनफ, सो डोंट रुइन योर प्रिपरेशन बेसिकली। नहीं, मैं एक और चीज समझ पा रहा हूँ, क्या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से आपका इंस्टीट्यूट की बड़ी अच्छी पेडिग्री है, मतलब मेरे ख्याल से हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वहां से। हाँ, yes। तो वो जो बच्चे जो आपसे पहले वाले बैचेस में सेलेक्ट हो गए थे, क्या कोई छोटा मोटा सपोर्ट सिस्टम वैसा भी था? वर यू एबल टू टॉक टू समबडी? समटाइम्स यस, कुछ गाइडेंस लेने के लिए आई वुड टॉक टू देम, बट प्राइमरीली मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स। नंबर 2, वो जो टेस्टिंग की आपने बात करी, टेस्टिंग में कई बार मन करता होगा यार एक रहने देता हूँ टेस्ट, नहीं सर, कभी टेस्ट में नहीं किया। I was also expecting he will say no, I was also expecting he would। सर ऐसा लगता था कोई टेस्ट छूट गया तो उस टेस्ट के कुछ एटीट्यूड है सर। डेली पूछता हूं सर, डेली पढ़ाई में फिर भी लग सकता है कि चलो आज मन नहीं करना, पर टेस्ट तो एटीट्यूड है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ सेइंग टू योरसेल्फ नहीं यार टेस्ट है ना, ये तो नहीं छोड़ सकते। तो किसी ने मेरे से पूछा कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं, मैंने कहा डूइंग समथिंग व्हिच यू प्रोबेबली डोंट लाइक, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, है ना, मतलब अच्छा हेल्दी फूड खाना, एंड इट इज देयर इज अ पेन इन डिसिप्लिन, लेकिन वो पेन जो है पेन ऑफ रिग्रेट को खत्म करता है बाद में। सो पेन ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी को तीसरी तरह से पूछता हूँ इस चीज को, तो इसने कहा कि मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, तो वो टेस्ट बाद में कर लेते थे। हाँ, पर करना जरूर है। यस। अरे वाह सर, मतलब इवन हाई टेस्ट सीरीज के जो भी टेस्ट थे वो हर संडे तो नहीं दे पाता था, तो मैं उनको वीकडे में कभी टाइम करके, क्योंकि हमारे संडे को भी क्लैश होते थे टेस्ट, तो मैं उनको वीकडे में इंसर्ट करके एक आध दिन अपने प्रिपरेशन में तब दे देता था। ये तीसरा इंसाइट मुझे जो आप ही की बात से चाहिए, ये जो आपने कहा तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्शन। तो बच्चों को ये बताओ कि अगर आपने गलती करी तो हाउ डिड यू एंश्योर कि ये दोबारा नहीं होगी? कहीं लिख लेते थे? सर मैंने एक नोटबुक बनाई थी तीनों सब्जेक्ट्स की अलग, तो मैं उसमें सिर्फ गलतियां लिखता था, मेरे मॉम ने करने बोला था। हाँ, तो हर टेस्ट के पहले बस वही टेक्स्ट बुक नोटबुक पढ़ लेता था कि ये, क्योंकि मिस्टेक्स ही फिर से हो सकती है, तो वही पढ़ लिया तो फिर गलतियां नहीं होगी। शुभन, मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि अपनी मिस्टेक नोटबुक का पीडीएफ मुझे बना के भेजिए। आई विल शेयर इट विद स्टूडेंट्स एंड आई विल टेल देम कि प्लीज इट इज वर्थ द एफर्ट, इट इज स्लाइटली पेनफुल, इट टेक्स टाइम, but that is how to focus your preparation on the right thing. Sharma sir, AIMS Delhi, yes sir, aim to hai bhai, so we are in Delhi। aim ka kya hota hai? AIMS Delhi, absolutely AIMS Delhi, yes, koi shak bilkul nahi, lock kiya jaye, bilkul kiya jaye, kya milega 100%, kya is baar cut off bahut zyada ja rahi hai 100%, fir bhi AIMS Delhi 100%। awesome, theek hai sir, thank you Sharma sir, bahut maza aaya। Shubhan, We are proud of you। जब आप दिल्ली आएंगे, हमारा ऑफिस एम्स दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है। yes। आप और 3 और लोग, मेरा सेंस है कि हमारे 10 स्टूडेंट एम्स दिल्ली जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स, राइट? एंड इट इज एन एब्सोल्यूट प्राउड मोमेंट फॉर अस। जब आप जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2000 एडमिशंस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर, तो दैट इज टेस्टिमोनी। मैंने शर्मा सर को रात को 1-1 बजे परेशान किया है और शर्मा सर ने मुझे रात को 1-1 बजे परेशान किया है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत खुंदक खाए भी है। अगर आपका पैशन नहीं है, मेरे ख्याल से शुभन एक और बात से एग्री करेगा, इफ यू डोंट लव व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू डोंट हैव पैशन, यू वोंट बी एबल टू अचीव अमेजिंग रिजल्ट्स।